हे गाइस, तो आज हम बनाएंगे चना लहसुन पूरा मुंबई स्टाइल में जो ढाबा में हम खाते हैं। सो चलें हम चना लहसुन बनाएं। सो गाइस, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अंडा घोल के रखा हुआ है। यहाँ पर मैं एक अंडा फेंट लेती हूँ, फिर उसको अच्छे से मैं इसको फेंट लूँगी, एटलीस्ट ये पूरा मेल्ट हो जाए, ये पूरा वाइट एंड द येलो पार्ट। एंड देन अभी मैं इसमें एक मुट्ठी मतलब लाइक एक कप मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालती हूँ। और यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर डाल दी, और यहाँ पर सेम क्वांटिटी में जितना मैं कॉर्नफ्लावर डालूँगी उतना ही क्वांटिटी में यहाँ पर मैं मैदा डालती हूँ। अब मैं इसको फिर मैश कर लेती हूँ, अच्छे से मिला देती हूँ। अब यहाँ पर मैं और भी चीज़ें डालती हूँ। ये हम वैसे बना रहे हैं जो चने के ऊपर जो ऊपर पे जो शेल होती है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया है। अब यहाँ पर मैं सोया सॉस डालती हूँ, अराउंड एक चम्मच मैं सोया सॉस डालूँगी यहाँ पर। मैंने अपने अंदाजे से सोया सॉस डाला है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस डालूँगी, यहाँ ये भी मैं अराउंड एक चम्मच ग्रीन चिली सोया सॉस डालती हूँ। अब यहाँ पर मैं शेजवान चटनी डालूँगी। शेजवान चटनी हम ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, यहाँ पर मैं अराउंड 2 चम्मच शेजवान चटनी डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शेजवान सॉस डाल लिया है। अब यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालती हूँ, अराउंड मैं ये भी 1 चम्मच ही डालूँगी। और मैं यहाँ पर अभी फूड कलर डाल लेती हूँ, फूड कलर मैं थोड़ा सा डालूँगी, 1/2 चम्मच। नमक मैं यहाँ पर डालती हूँ थोड़ा सा, बिकॉज़ मैं थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि चने मैं ऑलरेडी जब बॉईल करूँगी तो उसमें नमक डालना है। अब मैं अच्छे से इसे मैश कर लेती हूँ, इसकी गुलटियाँ ना बन जाए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कॉर्नफ्लावर मिला हुआ है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ। देखे रंग आना कितना प्यारा चालू हो गया है। इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया, अच्छे से पूरा मिला दिया है। टेस्ट ज़्यादा ना ही लिक्विड रहना चाहिए और ज़्यादा ना ही गाढ़ा रहना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए नॉर्मल हो, इतनी होनी चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पर मैंने चने भी घोल के रख लिए थे। अब यहाँ पर मैं चने को कुकर में डाल के इसको 2 सीटी लगा लूँगी, थोड़ा सा पका लूँगी। यहाँ मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, ध्यान रहे नमक मैंने ऑलरेडी बैटर में डाला था। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल डालूँगी ताकि हमारे जो ये लहसुन है सॉरी हमारे जो ये चने हैं अच्छे रहें, खिलते रहें। ये देखिए ये हमारा चना पक गया है। ये देखिए ज़्यादा गलाना नहीं है, ऐसे इतना पका लेना है, ऐसा दिखना चाहिए फ्रेश। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा एक एक करके ही जब मैं फ्राई करूँगी चने को तो एक एक करके ही फ्राई करूँगी ताकि ये पूरा एक साथ बन उसका बड़ल ना बन जाए। ओके, एक दूसरे से चिपकता है ये, इसमें कॉर्नफ्लावर मिला है ना, तो मैं एक एक करके ही डालूँगी। फिर मतलब लाइक तेल में एक एक करके डालूँगी यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर मैंने डाल लिया है थोड़ा सा, जब मैं फ्राई करने डालूँगी तो एक पूरे एक एक करके ही डालूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं आगे का प्रोसेस चालू करती हूँ। चलो लहसुन लेते हैं। यहाँ पर मैंने लहसुन को गरम ऑयल में डाल दिया है। अब मैं इसे यहाँ पर लहसुन पका रही हूँ। ध्यान रहे लहसुन है ना उड़ता है जब ज़्यादा पक जाता है तो आप ख्याल रखें, ऑयल गर्म होता है ना आपको हार्म ना पहुँचाए। ये मैंने अच्छे से फ्राई करना है, थोड़ा ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन। चले अब मैंने लहसुन को निकाल लिया है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा मैंने ब्राउन किया है इसे बस। अब मैं एक एक करके यहाँ पर चना फ्राई करती हूँ। मेरा ऑलरेडी ऑयल गर्म था। अब ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, एक एक करके डालना है। अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये यहाँ पर स्पून से डाला है। एक एक करके दूर दूर डालें ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। थोड़ा थोड़ा ही करके फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा फ्राई करें क्योंकि ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। दूर दूर करके ही डालें, ऑयल गर्म होनी चाहिए। हमें ऑलरेडी फ्राई कर लिया था तो इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमें हल्का सा पका के निकाल लेना है, हल्का सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैं अभी इसे निकाल लूँगी। अब देखें ये जो मैंने चना फ्राई कर लिया है एक बार, ओके अब इसे एक बार निकाल के इसमें मैंने रख दिया। इसे मैं एक ही बार फ्राई कर लेती हूँ, वापस से फ्राई करूँगी थोड़ा सा कड़क होने के लिए। ये मैंने ऑलरेडी पूरा बना चुकी हूँ, एक बार फ्राई कर लिया था। अब मैं इसको वापस से फ्राई करूँगी, थोड़ा सा कड़क हो जाए ये। देखिए मेरा ये वापस से तैयार हो गया है, पूरी तरह से चना लहसुन मेरा तैयार हो गया है। आप शेजवान चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। कड़क है, क्रिस्पी है, लुक गुड। ये मेरा चना लहसुन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ टू माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।